हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो मैं और फैज हैं छत पे और फैज खा रहा है मोमोज। फैज टाटा, हाँ तो फैज टाटा कर रहा है और मैं हूँ छत पे और मेरे पीछे बन रहा है एक घर। ये मेरा घर है और पीछे बन रहा है एक घर। और अभी मौसम थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब धूप नहीं है, सही है, फ्रेश है। और मैं फैज को लेके चलता हूँ नीचे क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं बंदर, तो बंदर इसे खाने नहीं देंगे। अभी तो मस्ती से खा रहा है बैठ के, फिर खाने नहीं देंगे, फिर हम चलते हैं बाहर। फिलहाल अभी फैज को छोड़ते हैं नीचे। हम और फैज अब जा रहे हैं नीचे और ये हैं फैज के मोमोज, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ बाहर और मेरे साथ है उत्कर्ष, हर्षित का भाई। तो हर्षित खेल रहे हैं मैच, हर्षित है सामने, फिर हम हर्षित की तरफ जा रहे हैं, फिर हम और हर्षित उत्कर्ष तीनों लोग निकलते हैं कहीं बाहर घूमने। अभी हर्षित खेल रहे थे वहाँ पर मैच, लेकिन अब हमारे साथ आ चुके हैं। तो ये हैं हर्षित, उत्कर्ष और मैं, हम जा रहे हैं तीनों लोग घूमने बाहर। उत्कर्ष कुछ बोलोगे तुम? उत्कर्ष हंस रहे हैं भाई और हंसित भी नहीं बोल रहे हैं, दोनों शर्मा रहे हैं, दोनों शर्मा रहे हैं क्योंकि भाई भाई है ना। हर्षित आज कम बोलेंगे क्योंकि छोटे वाले से शर्म लगती है। अब पीछे पीछे सब लोग मैच खेल रहे हैं और ये हमारा रोड है, ये पता नहीं कब तक पड़ेगा। तो गाइस, उत्कर्ष कह रहे हैं हम जाएंगे आम के बाग में, तो आम के बाग में हम चल रहे हैं। एक ही पेड़ पे आम दिख रहे हैं दूर से ही बहुत ज्यादा। तो गाइस, हम आ चुके हैं आम के बाग में और एक चेला और मिल गया है, वो पहले से आम खा रहा है और यहाँ पे छोटा भैया बीड़ी फूंक रहे हैं बहुत तेजी से, धुआं निकाल रहे हैं लेटे लेटे। खटिया है बहुत बड़ी, तो छोटा छोटा भैया कह रहे हैं छोटी पड़ गई खटिया, थोड़ी होगी बड़ी बड़ी, हाँ तो कह रहे हैं बड़ी हो गई है, मेरी हाइट थोड़ी कम है, आ नहीं पा रहे हैं तो समझ लो। और यहाँ पे अभी भी बाग में आम है, कुछ कुछ हैं जैसे कि उस पेड़ पे लगे थे और इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर पत्ते कम आम ज्यादा हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं ये वाले, ये हैं। और ये हैं सलमान भाई, कोचिंग नहीं गए? हाँ तो कोचिंग वोचिंग पढ़ के आ गए हैं सलमान। हम चलते हैं आगे की तरफ। हम और हर्षित उत्कर्ष आ चुके हैं गांव के पास और यहाँ पे एक तालाब जो मैंने पहले भी दिखाया था, तो वो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। तो ये है तालाब, अब हम चलते हैं गांव की तरफ। इसमें आधे गांव का पानी आता है, उत्कर्ष कह रहे हैं इसमें आधे गांव का पानी आता है और वास्तव में सही बात है, इसमें आधे गांव का पानी आता है। हाँ, आधा आधा से ज्यादा होगा, इतना ही पानी आता है। हाँ तो वो नापा नहीं है फिलहाल, होगा आधा ही। और ये क्या है? ये ग्वार। हाँ तो ये ग्वार है, ये ग्वार की फली है, मतलब खाई भी होंगी बट मुझे बहुत बुरी लगती है कसम से, जिस दिन घर पे बनती है ना खून सुलग जाता है मेरा। वैसे भी कम है, पतला तो मैं वैसे भी हूँ लेकिन सुलग और जाता है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। गाइस, हम आ चुके हैं गांव में और आंधी भी आ चुकी है बहुत तेज। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।